ये मांगलिक दोष क्या है, और हमने देखा है कि मांगलिक दोष को खत्म करने के लिए काफी तरह का चलन हमारे समाज में मौजूद है। देखिए, मांगलिक दोष होता है कि आपके विवाह के जो भाव हैं 12 भावों में 1, 2, 4, 7, 8, 12 ये विवाह से संबंधित भाव हैं। इसके विस्तार में बताने में तो पूरी क्लास लग जाएगी, पर यह है कि विवाह से संबंधित भाव हैं। क्यों हैं? अब इसमें अगर कोई पाप ग्रह आ जाए तो उसमें मंगल दोष हो जाता है, मंगल भी आ जाए इन भावों में तो उसका जो काउंटर है, उसका उपाय है, उसका एक तरह से तोड़ जो है वो ये होता है कि भाई दूसरे पार्टनर के भाव में भी वो ही ग्रह आ जाए तो अच्छी तरह से हो जाता है। जैसे मैंने बताया, जो पाप कर्म एक ने करे हैं तो दूसरे में भी वही करे हो तो उनका मिलन ठीक होता है। तो क्या एक मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी हो पाना संभव है? देखिए, मांगलिक की डेफिनेशन अलग है। हम लोग जो बोलते हैं भाव मिलान जी, अगर जैसे एक के चौथे घर जो विवाह से संबंधित भाव है उसमें मंगल हो और दूसरे के आठवें घर में मंगल हो तो दोनों ही मांगलिक हुए, पर हम ये तोड़ नहीं मानते। अगर एक के चौथे घर में है तो दूसरे के भी चौथे घर में मंगल होना या और कोई पाप ग्रह होना चाहिए इस मंगल दोष को तोड़ के लिए।